टाइप, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है वो टिकल के एक ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ फ्रूट्स और उसके कल्टीवेशन से। अब फ्रूट जो होता है ये प्रोडक्ट होता है बाय द पोलिनाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द जो हम कहते हैं आपका बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद जो आपका फर्टिलाइजेशन हो उसके बाद, और आपका इसके अंदर जो होता है सीड्स प्रेजेंट होता है। तो फ्रूट हम कह सकते हैं ये फर्टिलाइज्ड और राइपंड ओवरी होती है, और या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक एडेबल प्रोडक्ट होता है ऑफ एंटायर गाइनोशियम का एंड फ्लोरल पार्ट जो एंड एनी फ्लोरल पार्ट्स। ये जो आपका एडेबल पार्ट है ये स्वीट होता है, जूसी होता है, या फ्लैश जूसी और फ्लैश भी हो सकता है, कलर्ड होता है, एरोमेटिक होता है एंड इनक्लोज करता है सीड्स को। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्रूट का जो फ्रूट वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्ड। तो ये इसके जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं, आउटर वाला आता है एपिकार्प, बीच वाला आपका जो आता है मीजोकार्प है, अंदर वाला जो आपका है एंडोकार्प है, और उसके अंदर जो आपका सीड्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका एक्सोकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प है ये आपकी बनाती है पेरिकार्प, यानी कि फ्रूट वॉल इसको बनाती है। जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम मैंगो लेते हैं, तो मैंगो में जो आप येलो कलर देखते हो उसकी कवरिंग, तो दैट इज द एक्सोकार्प। मीजोकार्प यानी कि जो आप रस मतलब कि जो फ्रूट का पल्प वाला पोर्शन जो आप खाते हो, खाने के बाद जो आपको की गुठली रह जाती है जिसे आप बोलते हो, तो वो होती है एंडोकार्प। उसको अगर उस गुठली का भी अपर पार्ट हम निकाल देते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं आपकी सीड्स प्रेजेंट होती है। तो सीड्स जो आपका इनर मोस्ट पार्ट हो गया आपका फ्रूट का। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करते हैं तो हम मोस्टली तीन टाइप के कहते हैं, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट जो होते हैं सिंगल फ्लावर से आपके बनते हैं। ये फ्लावर जो आपका मोनोकार्पेलरी भी हो सकता है, बाइकार्पेलरी भी हो सकता है, और आपका पॉलीकार्पेलरी भी हो सकता है। सिनकार्पस गाइनोशियम होती है, एग्जाम्पल है इसमें मैंगो टोमेटो। एग्रीगेटेड फ्रूट्स ये वो फ्रूट होते हैं जो पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी कैलोट्रोपिस। मल्टीपल फ्रूट जो होते हैं आपकी जितने भी आपके इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर है वो आपके मिलके बनाते हैं और एक कंपैक्ट मास बना देते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, फिग हो गया, पिप्पल हो गया। तो क्लासिफिकेशन के बेस पे हम कहते हैं फ्रूट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें ओवरी जो होते हैं डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट एनी नॉन कार्पल पार्ट, जैसे टोमेटो मैंगो। फॉल्स फ्रूट वो होते हैं कि भाई ओवरी के अलावा उसमें जो नॉन कार्पल पार्ट है जैसे कि थैलेमस हुआ, पेरियंथ हुआ, इनवॉल्व लकड़ी हुआ, तो वो एडिशन जो है फ्रूट मेकिंग में हेल्प करते हैं, तो वो होते हैं आपके फॉल्स फ्रूट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि एप्पल, जैक फ्रूट, वॉलनट एक्सेट्रा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो आपका फ्रूट की फॉर्मेशन हो, तो इनको हम जो है सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं, जैसे कि बनाना। तो टाइप ऑफ फ्रूट की जैसे मैंने कहा कि तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। तो सिंपल फ्रूट जो होते हैं सिंगल ओवरी से बने, जो मोनोकार्पल्स, बाइकार्पल्स या पॉलीकार्पल्स भी हो सकते हैं, एपोकार्पस इन नेचर। एग्रीगेट जो होते हैं मैनी फ्री ओवरी से बनता है, पॉलीकार्पल्स जो होते हैं एपोकार्पस होते हैं। मल्टीपल जो होते हैं आपके होल इनफ्लोरिसेंस से बनते हैं। तो सिंपल में भी हम कहते हैं दो टाइप के आते हैं, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में जो आपके पेरिकार्प है यानी कि जो फ्रूट वॉल है वो फ्लैशी होगी और आपकी जो है डिफरेंशिएट होगी, यानी कि आपके वो जो पेरिकार्प मेजोकार्प एंडोकार्प किस तरीके से डिवाइड होगी उसके बेस पे हम देखेंगे। ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो आपके उसमें पेरिकार्प जो होते हैं ड्राई होते हैं और वो डिफरेंशिएट नहीं होते। एग्रीगेट में भी क्योंकि एग्रीगेट जो है ग्रुप ऑफ आपका जो है ओवरी से बन के आपका जो बना है तो उसको बोलते हैं एटीरियो। एटीरियो यानी कि एक तरीके का ग्रुप ऑफ फोलिकल्स, ठीक है। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, एट्रियो ऑफ एकिन्स, क्लेमेटिस, एटीरियो ऑफ ट्रोप, रास्बेरी, एटीरियो ऑफ बेरीज, पोलियल्थिया। तो फर्स्ट वन आपका सिंपल फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट में हम जो फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट पड़ेंगे, तो फ्लैशी फ्रूट में आपके डिफरेंट टाइप के आते हैं, बेरी, ड्रूप, पिपो, हेस्पेरिडियम, पोम, बेलुस्टा। तो बेरी का एग्जाम्पल है टोमेटो, ड्रूप का है मैंगो,
पिपो का एग्जाम्पल है कुकुम्बर, हेस्पेरेडियम का एग्जाम्पल है ऑरेंज, पोम एप्पल, बेलेस्टा पोमोग्रेंट। अब ड्राई फ्रूट की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी आते हैं ड्राई डेइसेंस, इंडेइसेंस और जो कार्पिक। तो डेइसेंस में आपके हैं जैसे फोलिकल्स, एग्जाम्पल कैलोटोपिस, लेग्यूम्स पाइजम सेटाइवम, सिलिकुआ ब्रैसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते, जो सिलिकुला कैप्सुला, कैप्सूल कैप्सूल में भी डिपेंडिंग ऑन द आपके डिस्पर्सल वेरी करते हैं। तो इसमें आप करते हैं सेप्टिसाइडल लिनियम में, लोक्युलिसाइडल लेडीज फिंगर में, सेप्टिसाइडल दतुरा में, पोर्सिडियल पेपेवर में, डेंटिसाइडल प्रिमुला में, सिकमसेंसल एनागेलिस में। जबकि इंडाइसेंस में आप क्या आते हैं, एकेंस फ्लेमेटिस में, सिप्सिला ट्राइडेक्स में, क्राप्सिस ओरिजिया या आपका राइस वीट कह सकते हो, नट्स एनाकोडियम, केमारा आपका एसेरिस का एग्जाम्पल है, ड्यूट्रिकल्स एग्जाम्पल इसका चिनोपोडियम, सिजोकार्पिक यानी कि जहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है तो वहां पे जो आपका क्रिप्टोकार्प्स एग्जाम्पल इसका कोरिएंडर होता है, सर्ची रूल्स आपका है ब्यूटिलोम, लोमेंटम एग्जाम्पल इसका मिमोसा एंड रिकमा कैस्टर्ड। तो ये जितने भी आपके फ्रूट हैं ये क्या होते हैं इसका हम जो है बारी बारी से जो है पढ़ेंगे। तो सिंपल फ्रूट जैसे कि मैंने कहा कि सिंगल फ्लावर से बनते हैं आपके, तो इसमें जो ओवरी है आपकी सिंपल और कंपाउंड भी हो सकती है, और इसमें विद और विदाउट एसेसरीज पार्ट भी इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कि पी मैंगो टोमेटो। तो ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जो आपका सिंगल पिस्टल से बन रहा है और ये इसमें जो है पेरिकार्प जो होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं, फ्लैशी होते हैं सकेलेंट होते हैं और डिफ्रेंशिएट होती है। जबकि ड्राई फ्रूट्स में जो होती है पेरिकार्प जो आपके ड्राई होते हैं और ये डिफ्रेंशिएट नहीं होती। तो इसका एग्जाम्पल आप आता है कैलोट्रोपिस, धतूरा, व्हीट राइस। देन आपका फर्स्ट वन आपका था बेरी। फ्लैशी फ्रूट की बात करते हैं तो पहले में फ्लैश में जैसे कि मैंने कहा फ्लैश में जो ये डिफरेंशिएट होते हैं, तो ये जो आपके बेरी होते हैं ये आपके मोनोकार्पल या मल्टीकार्पल सिनकार्पस ओवरी के बने होते हैं। एपिकार्प इसमें थिन होती है, जैसे आप कहते हो टमाटर जैसे इसमें दिखाया गया है, तो ये आउटर बाहर वाली जो लाल लाल स्किन आपको दिखाई देती है वो आपकी थिन होती है। मिजोकार्प और एंडोकार्प इसमें जो है डिफरेंशिएट नहीं होता और ये जो आपका पल्प फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये बीच वाला जो सेशन है वो आपका पल्प बनाता है जो कि मिजोकार्प और एंडोकार्प का बना होता है। तो इस बेरी में भी हम कहते हैं जैसे सुपीरियर ओवर्स से जो बनते हैं उसके एग्जाम्पल है टोमेटो, प्रिंजल, डेट और ग्रेप्स। जो इन्फीरियर ओवर से बनते हैं उसके एग्जाम्पल है गुआवा, बनाना, जामुन। देन सेकेंड वन आपका था ड्रूप या स्टोन फ्रूट। इसको हम जो है हम आपका ये जो मोस्टली बने होते हैं सिन कार्पस मोनोकार्पली सुपीरियर या इन्फीरियर ओवरी के बने होते हैं। यूजुअली ये वन सीडेड होते हैं। ये पेरिकार्प इसमें जो है डिफरेंशिएट होते हैं। एपिकार्प जो होते हैं वो स्किनी होते हैं जैसे आप मैंगो में दिख रहे हो। मिजोकार्प जो होती है फ्लैशी एंड पल्पी होती है। एंडोकार्प जो आपकी इसमें हार्ड और स्टोन होगी। ध्यान रहे पेरी में जो आपकी मिजोकार्प और एंडोकार्प डिफरेंशिएट नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो मिजोकार्प और एंडोकार्प जो है डिफरेंशिएट है और एंडोकार्प भी जो की हार्ड और स्टोन ही है। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं मैंगो, कोकोनट, चेरी, वॉलनट, आलमंड। थर्ड आपका था पिपो। पिपो में फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जो होते हैं आपके फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ट्राई कार्पेलरी इन्फीरियर ओवरी। इसमें जो बेरी लाइक होते हैं विद द हार्ड रिंग। इसमें तीन कार्पल होते हैं और पेराइटल प्लेसेंटा होता है। पेरिकार्प जो होते हैं वो लेदरी और वुडी होते हैं जो कि इनक्लोज होते हैं। इसमें पेरिकार्प जो होते हैं हार्ड रिंग विद फ्यूज थैलेमस, यानी कि देख रहे हो ये आपकी ठीक है, ये आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट पोर्शन जैसे आपका ये तरबूज वाला है ठीक है, वाटरमेलन वाला है, तो ये हार्ड रॉक की जो है रिंग है ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हार्ड रिंग विद फ्यूज्ड थैलेमस। मिजोकार्प इसमें जो है फ्लैशी होता है और एंडोकार्प इसमें स्मूथ होता है। तो एग्जाम्पल इसमें कुकुम्बर, वॉटरमेलन। देन हेस्पिडियम।
हेस्पिडियम जो होता है आपका फ्लैश फ्रूट होता है, काउंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये मल्टी कार्पलरी मल्टी लोकुलर सिन कार्पस सुपीरियर ओर का बना होता है। तो जब हम फ्रूट वॉल का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले कहते हैं हम आपका एपिकार्प, एपिकार्प जो होते हैं इसमें लेदरी विद ऑयल ग्लैंड होते हैं। अगर आप देखते हो कि संतरे का है, संतरे का जब कई बार आप उसको दबा के देखते हो तो आपके चेहरे पे उसकी जो है वॉटर सी ऑयल ग्लैंड आपके चेहरे पे लगती है, तो वो क्या है ऑयल है, तो लेदरी विद द ऑयल ग्लैंड, तो वो कौन सा पार्ट होगा एपिकार्प। मेजोकार्प जो आपका व्हाइट फाइब्रस पार्ट है, मेम्ब्रेनस एंडोकार्प होती है जो कि आपकी डिस्टिंक्ट चैम्बर बनाती है, और इसमें जो है जूसी प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपका अगर हम कहते हैं इसका स्ट्रेस का लेमन का, तो लेमन में जो ये जूसी पार्ट होते हैं जो आपको फाइबर फाइबर नजर आते हैं, तो ये आपका जो है जूसी प्लेसेंटा हेयर होते हैं, और जो आपकी बीच में दिख रही है लेयर व्हाइट सी, तो ये आपकी जो होती है मेम्ब्रेनस एंडोकार्प होती है जो डिस्टिंक्ट चैम्बर बना रही है। देन नेक्स्ट वन आपका आता है पोम, तो पोम जो है आपका मल्टी कार्पलरी सिन कार्पस इंफीरियर ओवरी, ध्यान रहे आपके जो हेस्पिडियम थे ये सुपीरियर ओवरी से बन रहे थे हेस्पिरिडियम, लेकिन पोम जो आपके इंफीरियर ओवरी से बन रहे। पेरिकार्प इसमें जो डिस्टिंक्ट नहीं है, रिसेप्टिकल से आल्सो डेवलप अलोंग विद द ओवरी एंड बिकम फ्लैशी इनक्लोज द ट्रू फ्रूट। इसमें एपिकार्प जो होते हैं आपकी थिन लाइक होती है, एंडोकार्प जो होती है टफ होते हैं, कार्टिलेजिनस होती है और सीड को इनक्लोज करती है। तो एग्जाम्पल इसका आ गया एप्पल, पियर्स, लोकार्ट। नेक्स्ट आपका था बालक्वेस्टा, बलोस्टा। बलोस्टा में क्या आता है, ये फ्लैशी इनडेहिसेंट फ्रूट होता है जो कि मल्टी कार्पली मल्टी लोकुलर इंफीरियर ओवरी का बना होता है। इसमें पेरिकार्प जो तक टफ होता है लेदी होता है। एपिकार्प पेरिकार्प में भी जब हम कहते हैं एपिकार्प, एपिकार्प जो होता है हार्ड रिंग बनाती है और ये जो होता है थैलेमस के साथ फ्यूज होती है। मिचोकार्प जो होती है फॉर्म करती है प्लेट लाइक इनफोल्डिंग। एंडोकार्प इसमें जो होता है थिन मेम्ब्रेनस होता है, सराउंड करता है जो आपका जूसी सीड्स है उसको। सीड्स जो है इरेगुलरली अटैच्ड होते हैं विद टेस्टा बीइंग द एडिबल पोर्शन, तो जैसे इसका एग्जांपल है पोमीग्रेनेट, तो इसमें जो सीड्स होते हैं वो जूसी पार्ट होते हैं। इसके अराउंड जो आप डिफरेंट वो पार्ट देखते हो वो आपका एंडोकार्प होता है। देन नेक्स्ट आपका आता है ड्राई फ्रूट, सेकेंड आपका आता है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट वो होते हैं जो कि जिसमें आपकी पेरिकार्प जो होती है आपकी अनडिफ्रेंशिएट होते हैं और ड्राई होते हैं, तो उन नंबर ऑफ बेसिस ऑफ सीड्स और डेहिसेंस करेक्टर के बेस पे हम इसको तीन टाइप के बोलते हैं। पहला वन आपका था कैप्सुलर या ड्राई डेहिसेंस फ्रूट, इसमें पेरिकार्प आपकी ड्राई होती है एंड स्प्लिट होती है ओपन अलोंग द सूचर टू लिबरेट द सीड्स, जैसे पी, ब्रासिका, पॉपी। सेकेंड आपका था अकेनियल्स या ड्राई इंडेसेंस फ्रूट, ये जो होते हैं आपके स्प्लिट नहीं हो सकते एट टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, तो इसमें जो पेरिकार्प होती है वो ब्रेक हो जाती है एट टाइम ऑफ द जर्मिनेशन, तो एग्जाम्पल है जैसे मेज, लीची। सेकेंड थर्ड आप आता है स्टिजोकार्पिक फ्रूट, ये इंटरमीडिएट होता है बिटवीन डेसेंस और इनडेसेंस फ्रूट के, इसमें फ्रूट जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ द सेगमेंट्स में, जिसमें हर एक सेगमेंट जो होता है एक या एक से ज्यादा सीड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, जैसे मालवा, कैस्टर एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वन हम डेहिसेंस फ्रूट करते हैं, यानी कि वो फ्रूट जो आपकी मेच्योरिटी के टाइम जो है स्प्लिट हो जाते हैं, तो इसमें जो होती है स्प्लिटिंग जो होती है अलोंग द सूचर होती है, तो इसमें जो है आप डिफरेंट क्लासिफाई करते हैं फोलिकल्स, एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, एस्क्लिपिया लार्क्स, यानी कि एस्क्लिपिया डेसी में ये करेक्टर है। लेग्यूम्स एग्जाम्पल है पैजम, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। स्लिक्वा मस्टर्ड या फैमिली क्रूसीफेरी में ये मिलते हैं। स्लिकुला इसका एग्जाम्पल है कैप्सुला, एब्रिस, लेपिडियम। कैप्सूल ये आपकी जो दतूरा में पोपी में यानी कि सोलेनेसी फैमिली में मिल सकते हैं आपके आपके जो है पेविरसिस में है, तो डिफरेंट फैमिली में कैप्सूल्स मिलते हैं। तो
फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं फोलिकल्स। फोलिकल्स जो आपके होते हैं इसमें डाइसेंस जो होता है एक सूचर के अलोंग होता है, या तो वो डोर्सल हो सकता है या आपका वेंट्रल हो सकता है। जैसे कि ये कैलोट्रोपिस का डायग्राम है, तो यहाँ पे जो ओपन एक तरफ से हो रहा, बैक साइड में जो आपकी ओपनिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे यानी कि जो डाइसेंस हो रहा है आपके सीड्स का वो एक तरफ से होगा, तो वो होते हैं फोलिकल्स। एग्जाम्पल है इसका कैलोट्रोपिस लार्कस्पूम। सेकेंड आपका होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली, यानी कि जहां पे आपका डाइसेंस जो होता है, डाइसेंस होता है बिखरना एक तरीके का, तो आपके जो सीड्स होते हैं उनका डाइसेंस जो है टू सूचर के थ्रू होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है आपके लेग्यूमिनेसी में पोड होते हैं, तो जैसे आपका है मटर वाला है, मटर वाला चाहे आप ऊपर से तोड़ लो या नीचे से तोड़ लो, तो दोनों ही तरफ से ये जो स्प्लिट हो जाते हैं, तो ये हो गए यानी कि इस डोर्सल और वेंट्रल दोनों ही तरीके से आपके जो सेपरेट हो जाते हैं और आपके सीड्स जो है डिस्पर्स कर जाते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए आपके पाइजम। थर्ड आप कहते हैं थर्ड नहीं, इसी में हम कहते हैं मॉडिफाइड पोड। तो मॉडिफाइड पोड्स जो है आपके डिफरेंट आपके जो है मेंबर्स में होते हैं, जैसे कि ग्राम्स में 1 से 2 सीडेड जो होते हैं वो ग्राम में पाए जाते हैं। इनडाइसेंस पोर्स केशर, जैसे केशर फिस्टुला अमलतास उसमें मिलता है, ये केशर फिस्टुला का आपका जो है डायग्राम है जो आपके पोड लगी हुई है। थर्ड आपका आता है फ्लैटेंड पोड, ये शीर्ष में मिलते हैं। फोर्थ आपका आता है स्पाइरली कॉइल्ड पोड, ये आपके मेडिकेजो में होती है, जो आपके ये डायग्राम में दिख रहे हैं ये स्पाइरली अरेंज है। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन पोड या लोमेंटम, ये आपके अकेशिया मिमोसा, अकेशिया यानी कि किक्कर वगैरह जितने में आप देखते हो उसके जो फ्रूट होते हैं उसको हम बोलते हैं लोमेंटम, जो कि एक तरीके की मॉडिफाइड पोड होती है। थर्ड आप आता है सिलिकवा। सिलिकवा में डाइसेंस जो होते हैं दोनों ही दो सूचर से ही होते हैं, जैसे कि आपका स्पोर्ट्स में था वैसे इसमें जो है टू सूचर से होता है, लेकिन इस फर्क क्या होता है कि इसमें जो होते हैं फाल सेप्टम होते हैं, जिसके कारण जो चैम्बर होते हैं वो आपके बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ जो चैम्बर है वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो आपका फ्रूट है इसमें बाइकार्प पैराइटल प्लेसेंटा सिनकार्पस सुनिलोकुलर और सुपीरियर ओवरी के होते हैं, जिसमें दो चैम्बर आपके बन जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फाल सेप्टा। जिसके आपका डायग्राम में बीच वाला आप अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक ट्रांसपेरेंट जो आपकी मेम्ब्रेन दिख रही है, तो इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को बोलते हैं आप डिप्लम या फाल सेप्टम, जो इसको दो चैम्बर में डिवाइड कर देती है। तो ये वही एडहेशन दो सूत्र के अकॉर्डिंग होता है। तो ये ब्रासिकेसी फैमिली का इसका आपका करेक्टर है। तो ये ब्रासिकेसी टर्निप और रेडिश में इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आप आता है सिलिकुला। सिलिकुला में जो आपके डाइसेंस जो है आपके सेम होते हैं जैसे कि आपका सिलिकवा में होता है, ठीक है, उसमें भी आपकी जो है मेम्ब्रेन होती है, लेकिन फर्क इतना होता है कि जो फ्रूट होते हैं वो फ्यू सीडेड होते हैं, शॉर्ट होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि ये थोड़े से चौड़े होंगे। एक जैसे कि आपका दिखाया है एवरी सम्बारा में आपका ये दिख रहा है कि आपका ये फ्रूट जो है थोड़ा सा चौड़ा है, आपका पोट मतलब कि लंबाई में नहीं। दूसरा आपके कैप्सुला बरसा है, ठीक है, सेफर्ड पर्स जिसे आप बोलते हो, इसमें भी आपको देख रहे हो कि ऊपर वाला सरफेस काफी चौड़ा है, फ्यू सीडेड है। तो ये आपके एग्जाम्पल है सिलिकुला के। नेक्स्ट आपका आता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होते हैं आपके ये मल्टी कार्पली मल्टी लोकुलर और सिनकार्पस ओवरी के बने होते हैं। तो डाइसेंस के बेस पे ये जो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसमें आपका है सेप्टिसाइडल लोक्यूलिसाइडल सेप्टिफ्रेजल पोरोसाइडल डेंटिसाइडल पिग्जियस। तो फर्स्ट वन आपका आता है सेप्टिसाइडल कैप्सूल। तो सेप्टिसाइडल कैप्सूल में जो स्प्लिटिंग होती है वो अलोंग द मिडल ऑफ द सेप्टल वॉल होती है, जैसे कि आपकी सेप्टल वॉल बनी है लीनियम हो गया, तो ये जो आपकी लाइन बनी है इसी के अकॉर्डिंग जो आपकी स्प्लिटिंग हो रही है, तो इसी से जो आपकी सीड्स जो है बाहर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट वन आपका आता है लोकुलिसाइडल कैप्सूल। इसमें डाइसेंट जो होते हैं आपकी सीड्स की वो थ्रो स्प्लिटिंग होते हैं अलोंग द लोक्यूल्स, जैसे कि आपका कपास का है, ठीक है, तो यहाँ पे चार लोक्यूल्स बने हुए उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका गोसिपियम बाहर निकला। सेम चीज अगर हम लेडी फिंगर के दिखते हैं तो जैसे ये अरेंज है आपके लोक्यूल्स प्रेजेंट है 1 2 3 4, ये अगर लाइनें दिख रहे हैं तो इस लाइन से ये एक लाइन से ये आपके सीड्स बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आपके जो है स्प्लिट हो रही है, आपका जो लोक्यूल्स हो रहा है स्प्लिट हो रहा है, उससे जो आपके सीड्स जो है बाहर निकल रहे हैं। तो ये हो गया लोकुलिसाइडल। थर्ड आप
सेप्टिक फ्रेजल, सेप्टिक फ्रेजल में जो है इसमें जो वॉल्स बनती हैं, तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती कैप्सूल, दैट द वॉल्स फॉर्म ऑफ लिविंग शीट अटैच टू सेंट्रल एक्सिस, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये वॉल जो है सेंट्रल एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है, और इसके अलोंग जो आपके शीट जो है डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपका धतूरा का है। पोरोसाइडल, पोरोसाइडल यानी कि थ्रू पोर्स, डाइसेंस जो होता है पोर के थ्रू होता है। तो एपिकल पोर जो आपके अफीम में बन रहे, जैसे कि ये दिख रहा है, ये अफीम का है, तो यहाँ पे आपके टॉप पे जो है ये पोर्स दिखा देते रहे और यहाँ से ये सीड निकल रहे हैं, तो ये हो गया पोरोसाइडल। दूसरा आपका आता है कंपेनुला, कंपेनुला में यहाँ पे क्या है कि बेस पे ये आपके जो है इसके कैलिक्स प्रेजेंट है, तो ये जो इसके साथ में जो आपका बेस है यहाँ से आपका ये सीड निकल रहा है, तो ये होगा बेसल पोर। तो यानी पोर के थ्रू डाइसेंस होगा, उसको बोलोगे पोरोसाइडल। थर आपका आता है डेंटिसाइडल कैप्सूल, यानी कि आपका डाइसेंस होगा थ्रू द एपिकल डेथ, एपिकल टीथ। तो यहाँ पे कैप्सूल में ये टीथ नजर आ रहे हैं आपको, जैसे कि इसमें दिख रहा है सेलेनी में लेटिफोलिया, यहाँ पे आपका जो ये टीथ है सेम चीज, यहाँ पे ये टीथ नजर आ रही है। इसी तरीके से ये प्रोलुमुला में अंदर आपको ये टीथ नजर आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इन टीथ के थ्रू जो आपके सीड्स जो है एक्सपोज होंगे, इनका डाइसेंस होगा इनके थ्रू, तो वो आपके जो बोलते हैं उसको डेंटिसाइटल कैप्सूल। नेक्स्ट आपका था पिक्सियस कैप्सूल, इसमें जो आपके थ्रू लीड या ओपरकुलम आता है, तो इसमें जो होता है डाइसेंस ट्रांसवर्सली होता है, और आपका जो टॉप वाला पोर्शन है वो लीड या ओपरकुलम कहलाएगा, वहां से आपके जो है सीड्स बाहर निकलेंगे। जैसे इसमें दिखाया है ये ट्रांसवर्स सेक्शन कटा हुआ है, ये सीड्स आपके निकल रहे हैं आपके पोटुलाका में, और यहाँ से आप जो है ये सीड्स आपके बाहर निकल रहे हैं। सेम चीज आपके एनागलिस में आता है, ये आपके जो ये ऊपर वाला पार्ट जो है सेपरेट हो जाता है, ये जो आपका ब्राउनिश है ये निकल जाता है, फिर आपके सीड्स जो है आपके बाहर आते हैं। तो यानी कि जब आपका डाइसेंस जो है लेड या ओपरकुलम के थ्रू होता है, और उसमें जो ट्रांसवर्स डाइसेंस होता है, तो उसको बोलते हैं पिक्सियस। सेकेंड आपका आता है ड्राई इंडाइसेंस फ्रूट, ड्राई इंडाइसेंस फ्रूट में जिसमें आपकी मैच्योरिटी पे भी जो है स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो इसके एग्जाम्पल है एकेनी, सिप्सिला, क्राइसिस, नट्स मारा और यूट्रिसला, ठीक है, यूट्रिकल। तो ये हम जो पढ़ेंगे बारे बारे। तो काइनी में क्या होता है, काइनी में जो होते हैं आपके ड्राई फ्रूट जो होते हैं डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली यूनिलोकुलर विद सिंगल ओवल विद सुपीरियर ओवरी से बनते हैं, ये मोस्टली एपोकार्पस पिस्टल में बनते हैं। यहाँ पे पेरिकार्प जो होती है आपकी मेम्ब्रेनस लेदरी और फ्री होती है फ्रॉम द सीड कोट एक्सेप्ट वन पॉइंट, जैसे क्लेमेटिस है, डेल्फिनियम है, स्ट्रॉबेरी है, मिराबिलिस जलापा है, तो ये आपके एग्जाम्पल है एकेनी के। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये आपकी जो है लेदरी आपकी जो है पेरिकार्प दिख रही है आपको, इसी के कारण जो ये एयर से, अगर हम क्लेमेटिस की बात करते हैं तो ये एयर से जो है इजिली जो आपका इनका डाइसेंस हो जाता है। सेकेंड आप पता है कारियोप्सिस, कारियोप्सिस में जब हम कहते हैं तो ये वन सीडेड फ्रूट होते हैं, ये मोनोकार्पली यूनिलोकुलर यूनिओवुलर सुपीरियर ओवरी के बने होते हैं, इसमें पेरिकार्प जो होते हैं इनसेपरेटेबल होते हैं, जिसमें पेरिकार्प जो आपकी फ्यूज होते हैं विद द सीड्स, यानी कि इसमें पेरिकार्प और टेस्टा जो होती है फ्यूज होती है, एग्जाम्पल इसका ओरिजिया और आपका टेटिकम। थर्ड आपका आता है सिप्सिला या इंफीरियर एकाइनी, तो इसमें ये जो होता है आपका सिंगल सीडेड फ्रूट्स का ही बना होता है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस यूनिलोकुलर यूनिओवुलर और इंफीरियर सुपीरियर का बना होता है, इसमें जो आपका है रिड्यूस स्केल हेरी और वेदरी कैलिक्स लोब्स होते हैं, पेरिकार्प और टेस्टा इसमें फ्री होती है, आपके जो क्राइसिस था उसमें फ्यूज फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे जो आपके पेरिकार्प और टेस्टा जो फ्री है लेकिन फ्यूज होता है विद द थैलेमस टू फॉर्म द फ्रूट वॉल, एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स हेलियंथस, कंपोजिटिव फैमिली का जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपका था नट्स, नट्स जो होते हैं वन सीडेड फ्रूट होते हैं जो कि आपके बाई या मल्टीकार्पलरी यूनिलोकुलर यूनिओवुलर सिनकार्पस और इंफीरियर या सुपीरियर ओवरी का बना होता है, पेरिकार्प इसमें हार्ड होती है, वुडी होती है और
आपकी बोनी होती है, जैसे कि लीची में दिखाया है, तो ये ऊपर की कवरिंग इसकी जो आपकी हार्ड होती है, हुड्डी होती है, बोनी होती है। इसमें जैसे लीची है, लीची में क्या होता है, फिनिकल्स आउट ग्रोथ होती है, जो हम कहते हैं एरियल, यानी कि जो ये व्हाइट वाला पार्ट होता है वो फिनिकल का आउट ग्रोथ होता है, ठीक है। और स्पाइनी जो पेरिकार्प होती है, ये की पेरिकार्प की बनी होती है। सेकेंड आप करते हैं जैसे चेस्टनट है, चेस्टनट में जो थैलेमस होता है वो फ्लैशी बनता है, एंड नट और फ्रूट जो होता है वो डेवलप होते हैं इसके ऊपर। ऑक जो है, ऑक में नट सराउंडेड बाय द प्री परसिस्टेंट कुपुल्स और ब्रैकेटेड द बेस। नेक्स्ट आपका समारम। समारम में क्या है कि वन सीडेड फ्रूट होता है, जो कि आपकी बाई या ट्राई कार्पली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी का बना होता है। यहाँ पे पेरिकार्प जो होती है थिन होती है, विंग स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपके फ्रूट के राउंड होती है। इसका एग्जाम्पल है उल्मस होलोप्टेरा, एसर या टीरोकार्पस। सेमेरोइड क्या होता है, सेमेरोइड में क्या होता है कि जो ये विंग्स बनते हैं इसमें वो आपके सेपल के बने हुए, जैसे कि सूर्य रोबस्टा, ये वाला जो है डायग्राम का सूर्य रोबस्टा का है, ये आपकी जो है विंग्ड दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आप आते हैं यूट्रिकल्स। यूट्रिकल्स में, यूट्रिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द बाइकार्पली यूनिकार्पल सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से। इसमें पेरिकार्प जो होती है लूजली इनक्लोज होते करती है आपके सीड्स को, जैसे कि चिनोपोडियम का हो गया। तो यहाँ पे अगर नीचे आप देख रहे हैं डायग्राम में, दोनों ही डायग्राम में, तो आपका जो ये सीड्स है ये लूजली जो आपका इनक्लोज है, तो ये हो गया यूट्रिकल्स। नेक्स्ट आप कहते हैं स्टोकार्पिक फ्रूट, यानी कि वो फ्रूट जो सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, सेगमेंट बनाते हैं। तो इसमें आप क्या आते हैं क्रीमोकार्प, कार्सिडुलस, सोमेंटम, लोमेंटम, रेग्मा। तो फर्स्ट में आप कहते हैं क्रिप्टोकार्प। क्रिप्टोकार्प में जो आपके स्प्लिटिंग इनटू टू सेगमेंट, जिन्हें हम बोलते हैं मेरिकार्प, जैसे कि आपका धनिया है, या आपके टू पार्ट में जो है डिवाइड हो जाता है, आधा आधा जो है डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। सेकेंड आपका कार्सिडुलस, इसमें स्प्लिटिंग जो है फोर सेगमेंट में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ओसिमम वाला है, ठीक है, ये आपका ब्यूटेलोन है, तो यहाँ पे वन सीडेड है, लेकिन ये जो एक एक चार पार्ट में जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका तो लोमेंटम। लोमेंटम की में जो स्प्लिटिंग होती है नंबर ऑफ सेगमेंट में, जैसे कि आपकी जो है मिमोसा पुडिका की है, इसमें आपकी 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ एक एक सेगमेंट वाले जो आपके नंबर है बहुत सारे हैं आपके, तो ये लोमेंटम टाइप का हो गया। नेक्स्ट आपका आता है रिग्मा। रिग्मा में की स्प्लिटिंग होती है अटैच्ड कोकाई में, ये आपकी ट्राई कार्पली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी के बने होते हैं, ट्राई लोकुलर ओवरी के होते हैं। इसमें वन सीडेड कोकाई होते हैं जो अटैच होती है कार्पोकोरस। एग्रीगेट फ्रूट, तो एग्रीगेट फ्रूट वो जो होते हैं आपके पॉलीकार्पली एपोकार्पस पिस्टल के बने होते हैं। इसमें जो हरेक फ्री कार्पल्स होता है वो एक सिंपल फ्रूटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नंबर ऑफ कलेक्शन होते हैं, जितने भी आपके फ्रूटलेट होते हैं, वो कलेक्टली मिलके आपके जो एग्रीगेट फ्रूट बनाते हैं। तो जो ग्रुप होता है आपका एग्रीगेट जो फ्रूट होते हैं उसी के सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं इटीरियो, जो कि एक आपके फ्लावर से डेवलप हो रहा है। तो इंडिविजुअल ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है इंटू ड्रोप्स में, अकेन्स में, फॉलिकल में या बेरी में, तो उन्हीं के बेस पे हम जो एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, जैसे कि मैग्नोलिया, रास्बेरी, अनोना, पोलियल्थिया, जैसे कि आपका इटीरियो फोलिकल्स। तो इटीरियो फोलिकल्स में जो आपके एग्रीगेट फ्रूट की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आपका आता है कैलोट्रोपिस, क्रिप्टोस्टेजिया, जिसमें टू फोलिकल्स होते हैं। थ्री फोलिकल्स में आपका कोनिटम के होते हैं, जैसे ये आपका दिख रहा है 1 2 3। ध्यान रहे फोलिकल्स में क्या था कि आपके एक ही सूचर से जो आपके फ्रूट जो है आपके मतलब सीड जो है डिस्पर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपके तीन बन रहे हैं, यानी कि एक तरफ से ये डिस्पर्स हो रहे हैं, लेकिन आपके जो है फोलिकल्स जो आपके इसमें अकोनिटम में आपके जो है थ्री है, 1 2 3, जबकि इसमें माइकेलिया में जो है मैनी है, एक ही सूचर से निकल रहे हैं लेकिन मैनी है, तो ये हो गया इटीरियो ऑफ द फोलिकल्स। इटीरियो ऑफ बेरी, तो बेरी में जो फ्रूट होता है वो नंबर ऑफ बेरीज से बना हुआ होता है, तो बेरीज में डिस्टिंक्ट होती है, जैसे कि एटाबोट ट्रीज में, पोलियल्थिया में। बेरीज अगर फ्यूज है विद द थैलेमस
तो इसका एग्जांपल है कस्टर्ड एप्पल, जैसे कि इसमें आपकी ये बेरीज दिख रही है कस्टर्ड एप्पल में, ठीक है, और ये फ्यूज फॉर्म में है। इस जो एडिबल पार्ट होता है इसका जूसी मिचोकार्प होता है बेरी का, तो ये सारी बेरी जो है फ्यूज करके एक फ्रूट बना रही, तो दैट इज द एग्रीगेट बेरीज। नेक्स्ट आपका आता है एट्री ऑफ ड्रुप्स, यानी कि इसमें क्या है कि ड्रुप होगा, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ड्रुपलेट, ये जो होती है आपका फ्रूट जो होता है आपका डिस्क शेप या कोनिकल थैलेमस पे जो है प्रेजेंट होता है, जिसकी रास्पबेरी या ब्लैक बेरी। तो रास्पबेरी में आप देख रहे हो कि आपका जो फ्रूट है ये थैलेमस पे प्रेजेंट है, सेम चीज ब्लैक बेरी में आपकी इस तरीके से ये जो है एक प्रॉपर शेप बना रही है कॉनिकल, ये आपकी जो डिस्क शेप हो रही है थैलेमस के ऊपर ये जो है प्रेजेंट होती है। इटीरियो समारास, इसमें जो फ्रूट होते हैं वो नंबर ऑफ समारास की बनी होती है, एग्जाम्पल है इसमें एलेंथस ग्रैंडुलोसस, यानी कि आप ये कह सकते हो एलेंथस फैमिली जो जिनस है उसके जितने भी होते हैं आपके वो इटीरियो ऑफ समारा बनाते हैं। इटीरियो ऑफ आर्किन्स, तो आर्किन्स में जो फ्रूट होता है नंबर ऑफ आर्किन्स का जो बना होता है, जिसकी रेनानकुलेसी और क्लेमेटिस, इसमें परसिस्टेंट स्लाइड स्टाइल होता है इन आर्किन्स में जो कि डिस्पर्सल में हेल्प करता है। लोटस में क्या है, लोटस में स्पंजी टॉप शेप्ड ग्रीन थैलेमस है एंड अकाइनेस जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं अपर सरफेस में, जैसे कि आपको ये दिख रही इसके अंदर की साइड है, तो ये आपके फ्रूट जो है इसमें एम्बेडेड है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में जो कन्वेक्स थैलेमस जो होता है आपका फ्लैशी हो जाता है, आर्किन्स जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं ओवर द सरफेस, अगर ध्यान से देखोगे ये छोटे छोटे आपको येलोइश नजर आ रहे, दीज आर द आर्किन्स, ये आपके फ्लैशी थैलेमस पे जो है स्कैटर्ड फॉर्म है, कहीं कहीं भी है पर्टिकुलर शेप नहीं। रोज रोज में आर्किन्स जो होते हैं इनक्लोज होते हैं इन होलो रिसेप्टिकल थैलेमस, जिसे हम कहते हैं रोज ऑफ हिप्स, हिप्स रोज हिप्स बोलते हैं, तो ये जो रेड कलर के दिखा रखे हैं आपको तो ये जो आपकी रोज हिप्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट, ये डेवलप होते हैं पूरी की पूरी होल इनफ्लोरिसेंस से अलोंग विद इट्स पेडेंकल्स ऑन विच दे आर पोरन, ऑल फ्लावर जो होते हैं राइपन हो जाते हैं इन टू फ्रूटलेट टू फॉर्म ए कम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर अलोंग विद द पेडेंकल्स, और एक सिंगल फ्रूट में इस पूरे की पूरे स्ट्रक्चर को जाना जाता है, ये राइपन होते हैं फॉल ऑफ ए सिंगल यूनिट, तो ये मोस्टली जो इसडोकार्पिक होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस में क्या होता है, ये डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम स्पाइक, स्पाइक में आपका पाइनएप्पल आता है, स्पेडिक्स मोस्टेरा, फीमेल कैटकिन मलबरी में, फ्लावर इसमें जो फ्यूज टुगेदर बाय देयर सकुलेंट पेरेंट एंड एट सेम टाइम जो एक्सिस बियर करता है फ्लैशी और जूसी होल इनफ्लोरेसेंस जो एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर मास बना देता है, एग्जाम्पल है जैसे पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, मलबरी, तो आप देख रहे हो कि मलबरी एक पूरा का पूरा जो आपकी स्ट्रक्चर है ये आपके पूरा एक फ्रूट है, सेम चीज पाइनएप्पल एक पूरा फ्रूट है। देन साइकोनस, साइकोनस में क्या होते हैं डेवलप फ्रॉम होते हैं मेल फीमेल फ्लावर ऑफ हेपेनथोडियम इनफ्लोरेसेंस, इसमें जो रिसेप्टिकल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लैशी फ्रूट में विच एनक्लोज द फ्रूट और आर्किन्स, इंटायर फ्रूट जो होते हैं रैपन हो जाते हैं इनटू फाल्स कंपोजिट फ्रूट में, जैसे कि फाइकस की स्पीसीज, फाइकस में जैसे पीपल, बनियन, अंजीर, तो ये आपके जो है फाल्स फ्रूट है हाइपनथोडियम के बने हुए हैं डेवलप्ड होते हैं रिसेप्टिकल, ये फ्रूटी फ्लैशी जूस में जो आपके दिख रहे हैं येलोइश रेडिश इसमें जो है आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ये डिफरेंट आपकी ओवरव्यू है आपकी अभी तक जो आपने डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स पढ़े हैं, सिंपल फ्रूट के जैसे कि आपका बेरी का एग्जांपल टोमेटो वाला है, ड्रुप्स का मैंगो है, पिपो कुकुम्बर, हेस्पेरेडियम का ऑरेंज है, पोम एप्पल्स है, बैलेस्ट्रा आपका पोमिग्रेंट है, यानी कि सिंपल फ्रूट की हम उनकी बात करें जो फ्लैशी है, तो फ्लैशी में क्या आते हैं हमारे कि जो आपकी पेरिकार्प थी वो डिफ्रेंशिएट थी। सेकेंड आपका आता है आपके ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आपकी पेरिकार्प जो होती है
डिस्टिंक्ट नहीं होती। तो इसमें पॉलिकल के, फॉलिकल के एग्जाम्पल है केलोट्रोपिस, लेग्यूम के एग्जाम्पल है पैजम, सिलिकुआ का है ब्रासिका, सिलिकुला का है कैप्सुला, लोडिक लोकुली सैडल का है लेडीज फिंगर, सेप्टी सैडल का है दतुरा। तो ये आपके ड्राई डाइसेंस में आ गए। हिंड डाइसेंस में आके आपके आते हैं काइनी, जिसमें आपके क्लेमेटाइस एग्जाम्पल है, सिप्सिला एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स, क्राइप्सिस आपके ओरिजा या आपका जो है वीट, नट्स में एनाकोडियम, समारा में आपके एसर आ जाते हैं, यूटिकल्स में आपके चिनोपोडियम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो कार्पिक फ्रूट, उसका एग्जाम्पल उसमें है आपके क्रिमोकार्प, जिसमें कोरिएंडर आ जाते हैं, आपके टू उसमें सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। कर्सिकुलस में है विटोलनो, आपके फोर उसमें सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। लोमेंटम है मोसाइसिस का एग्जाम्पल आ जाते हैं। टिग्मा कैस्टर्ड जैसे आते हैं, जिसमें ये अटैच रहते हैं। एग्रीगेट फ्रूट में आपका नूना और पॉलीहेल्थ आता है, जबकि आपके मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट जो एक पर्टिकुलर एक ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल है सोरोसिस में जैक फ्रूट है, साइकोनस में आपके फाइकस स्पीसीज आ गई। नेक्स्ट आपका आता है एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट। तो कुछ हम फ्रूट लेते हैं फ्रूट टाइप की, जैसे बेरी में टोमेटो में इसमें पूरा का पूरा होल फ्रूट जो है एडिबल होता है। ब्रिंजल है, इसमें टेंडर फ्रूट यूज होता है। गुआवा है, इसका होल फ्रूट जो एडिबल होता है। डेट है, इसका पेरिकार्प जो एडिबल है। ड्रुप की बात करते हैं, जैसे मैंगो है, इसका मेजोकार्प जो एडिबल होता है। कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है। पीपो में कुकुम्बर की बात करते हैं, तो इसका होल फ्रूट जो होता है एडिबल होता है। हेस्पेरेडियम की अगर बात करते हैं, तो जिसमें आपके सिट्रस वगैरह आते हैं, तो जिसमें जो जूसी हेयर्स होते हैं उन एंडोस्पर्म, वो आपके एडिबल होते हैं। पोम एप्पल की बात करते हैं, तो उसमें थैलेमस जो आपका है और पेरिकार्प का कुछ पार्ट जो होता है एडिबल होता है। बालुस्टा पोमीग्रेंट की जब हम बात करते हैं, तो इसका सकेलेन टेस्टा जो होता है सीड्स का, वो एडिबल होता है। लेग्यूम्स में सीड्स एडिबल होते हैं, सिलिकवा में भी जो आपके सीड्स जो है एडिबल होते हैं। नेक्स्ट आपका है पोरिसिडियल कैप्सूल। पोपी की बात करते हैं, तो उसमें सीड्स आपका एडिबल है। लोकली सैडल यानी कि लेडीज फिंगर, इसमें टेंडर फ्रूट आपका एडिबल है। कैप्सुला में जैसे सनफ्लावर, उसका सीड्स से जो है ऑयल मिलता है, हमें ऑयल यूटिलाइज प्रैक्टिकली यूज करते हैं। क्रायोसिस मेज और पैडी आ जाते हैं, या आपका वीट भी कह सकते हैं इसमें, तो सीड्स है आपका एडिबल है। नट्स कैसिव नट्स, तो पेडेंगल्स फास्ट फॉरवर्ड में और कोटिलेडन टू फ्रूट में होता है एडिबल। क्रीमोकार्प्स जैसे कि आपका कोरिएंडर है, तो उसका मिजोकार्प एडिबल होते हैं। लोमेंटम की बात में करते हैं, तो टच मी नोट यानी मिमोसा प्लांट की बात करते हैं, तो उसमें सीड्स एडिबल है। एग्रीगेट फ्रूट में अगर हम कैस्टर्ड एप्पल की बात करते हैं, तो वहां पे पेरिकार्प एडिबल है आपका। कंपोजिटिव फ्रूट की बात करते हैं, तो सोराइसिस की बात करते हैं, तो वहां पे जैक फ्रूट आपका जो है पेरियंथ और सीड जो है एडिबल पार्ट होती है। पाइन एप्पल में जो आपकी पेरियंथ और ट्रस्टीज, ये आपके एडिबल पोर्शन होते हैं। मलबरी में आपका जो है होल जो फ्रूट होता है वो एडिबल होता है। साइकोनस में हम फिक की बात करते हैं, तो वहां पे जो है होल इन फ्लोरिसेंस जो होती है आपकी एडिबल होती है। फंक्शन ऑफ फ्रूट की बात करते हैं, तो फ्रूट के फंक्शन क्या है, तो पहला है ये एडिबल पार्ट होता है जो कि सोर्स होता है फूड का, एनर्जी का फॉर एनिमल्स। सेकेंड है सोर्स ऑफ मेनी केमिकल्स लाइक द शुगर, पेक्टिन, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सीड्स को भी प्रोटेक्ट करता है अंडर द अनफेवरेबल क्लाइमेट्स कंडीशन और एनिमल्स। तो जो ये फ्रूट्स होते हैं वो आपके जो है ड्राउट कंडीशन में चला जाते हैं, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आते हैं ये आपके जर्मिनेट कर जाते हैं। फोर्थ आपका आता है कि हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में, ठीक है, दूर तक, क्योंकि जितने फ्लैशी और ड्राई हो गए उनके बेस पे होता है। फ्लैशी जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, और जो ड्राई होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। तो जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं वो दूर तक जो डिस्टेंस प्लेस पे ले जाए जा सकते हैं। फिफ्थ आपका आता है सर्टेन केसेस की बात करते हैं, तो फ्रूट जो होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग सीडलिंग को। इसके अलावा ये सोर्स ऑफ मेडिसिन होता है ह्यूमन के लिए।